मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी हनुमान चालीसा के ऊपर, जिसमें मैंने हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ करके उसको उसका फल प्राप्त करना है और कितने शुरुआत में पढ़ने से पहले शुरू में क्या करना होता है और बाद में क्या करना होता है उसके बारे में बताया था। किस तरीके, मतलब मैंने मेन जो मेटर मोटिव था लोगों को बताना कि हनुमान चालीसा का पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो तरीका बताया था। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा कि अपने मुंह से हनुमान चालीसा गा कर दिखाऊंगा, आपको बोल के दिखाऊंगा कि हो सकता है कि शायद आप कोई त्रुटि करते हो या मैं कोई त्रुटि करता हूँ तो वो आप देख सकें उसके बारे में कि किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है। शुरुआत में आप हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले राम जी का नाम ले लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूँ। ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः। 11 बार श्री राम प्रभु का नाम लिया। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 11 बार, या फिर आप बोल सकते हैं राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की 11 बार। उसके बाद शुरू करेंगे आप हनुमान चालीसा। मैं शुरू करता हूँ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, पर नव रघुवर विमल जो दो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोको जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुदनामा, महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरन विराज, सुवेशा कानन कुंडल कुचित केसा, केसा हाथ बज्र उधरा विराज, कांधे मुंजने उषा, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर भय को आतुर, प्रभु चरित सुन भय को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखा, विकट रूप धरे रंग जरा, भीम रूप धरे हर सहाय, रामचंद्र के का समाय, लाए सजी मन लखन जी आय, श्री रघुवीर हर शिव राय, रघुपत गिनी बहुत बढ़ाई, तुम मम पी भयता ही संभाई, सहसा तुम रोज अचगाय, स्पर्शी कर कंठ लगाए, सन काति भमादि मुझे सन आर सार, यम कुबे दिग्पाल जगा, कभी को भी कभी कहे सका, तुम उपकार सुग्रीव के, राम लाए राजपत दीन, तुम रो मंत्र विभीषण मा, लंकेश्वर भय सब सब जाओ, जू जह जोजन पर भान लीलियो दाही मधुर फल जानो, प्रभु बुद्ध का मेल मुख माही, जल दिन आगे गए अजर जनाए, दुर्गम का जगत गए, जे जे जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम अखबारे, हो उतना गया बिन पसारे, सब तो है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काओं को डरना, आपन ते समारोह आप तीन लोग हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुरा में नासुरो घरे, सब पीरा जपत निरंतर हनुमत भीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला में, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम सा और मनोज जो कोई लाए, सो यमे जीवन फल पाए, चारों जोग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगदेव जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुआरे, अश्वि दिन नौ निधि के दाता, अश्वर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पादा, सदा हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख दुख फिसराए, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाएं, और देवता जितना धरे हनुमत से सब खूब करें, सकर कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान को सहाय कृपा करो, गुरुदेव के नाय जो सतपार पार कर कहो, छूटे बंदी महासुख हो, जो अपना हनुमान चालीसा हो, सिद्धि सक्षी को रिसा, तुलसीदास सदा सदा हरि जेरा, की जेरा धीरे मा डेरा, पवन तय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लगन सीता सही हृदय बसहु सुरभूप, जय श्री राम। इसके बाद भी आपको ओम राम रामाय नमः, 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 या फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या फिर राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, मतलब प्रभु श्री राम का नाम लेना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे और मुँह से भी बोल के जाप कर सकते हैं, मन में भी जाप कर सकते हैं। मन में जाप करेंगे तो और अच्छा है, मन शांति होगी, मन को शांति मिलेगी आपके, ठीक है, मन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और आराम से करेंगे। जो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कौन सी लाइन क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है शुरुआत में आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत एक आध लाइन की एक आध वर्ड की मिस्टेक हो, तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे 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 आप उसको रनिंग में ले आएंगे, सही ले आएंगे। तो जय श्री राम इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और इससे अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हनुमान चालीसा का एक अनुभव बताऊंगा आपको, किस तरह से अनुभव होता है हनुमान चालीसा का, चाहे वो सपने में हो या वो सच में हो। वैसे मैं जो वीडियो बनाने जाऊंगा ना अगली वाली, उसमें मैं सच सच वाला वीडियो अनुभव बताऊंगा, जिसमें सच में क्या अनुभव हुआ था हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 2-3 बच्चों को, उसके बारे में, ठीक है, जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान चालीसा के बारे में जिनको पता था। तो उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखें और इस तरीके से पढ़ें आप, और मैं तो कहता हूँ मैंने आपको हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाई है, तो आपको लगे कि हाँ भाई इस तरह से आपको पढ़नी है, ठीक है,
और आपका बालाजी महाराज आपके पे कृपा करें और अच्छे तरीके से आपको भी भक्ति उनकी प्राप्त हो, आपके भी कार्य सफल हों, सच्चे मन से आप नाम लेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि सच्चे मन से नाम लेना जरूरी है, ये नहीं कि सामने बैठ गए ले 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 हनुमान चालीसा पढ़ दी, दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरे गेम गेम का गेम ख़त्म होने वाला है, फिर मूवी डाउनलोड हो गई होगी, वो मूवी डाउनलोड होने के बाद में शुरुआत करूँ या टीवी का नाटक शुरू होने वाला, ये नहीं। मन में उस समय सिर्फ प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में ही सोचना जिनकी आप आराधना कर रहे हो, ठीक है ना। ये भी नहीं कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी का ध्यान ना कर रहे हो और ध्यान तुम्हारा दूसरे वाले देवता की तरफ है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्कूल के काम की तरफ है, मैडम की तरफ है, मम्मी चिल्ला रही है उसकी तरफ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ध्यान भटकना जो है ये बचाना चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे आने वाले मंगलवार में या शनिवार में, आपको ये भी वीडियो बनाऊंगा कि ध्यान भटकता कैसे है और भटकने से रोकना कैसे है, क्योंकि बहुत से बच्चे या बहुत से बड़े लोग जो नई नई पूजा शुरू करते हैं उनके मैंने देखा है कि उनका ध्यान बहुत भटकता है पूजा करने में। वो ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान कहीं है, पूजा कहीं है, सुन कहीं कर रहे हो, दिमाग कहीं और चला गया, वो उससे फिर मन भगवान तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, जो मुझे लगता है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप पूजा पाठ करें और इस लॉकडाउन में जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो है ना वो हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, आपको अगर कोविड से भगवान बचाएंगे, आपको उस रास्ते पर जाने देंगे, आपको मान लीजिए कोविड या कोई बीमारी हो भी जाती है तो आपको जल्दी से रिकवर करा लेंगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 11 सुबह 11 शाम 11 रात तीन तीन बार करो। देखो भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो मुझे बताना, जरूर होंगे भगवान के दर्शन, भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। जब आपको दर्शन शुरू होने शुरू हो जाएं तो क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। वो वीडियो देखना, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा ज्ञान दे दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सुन पाते हैं कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज्ञान अगर थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो दिमाग में जाएगा, ये ध्यान रखना, याद भी रहेगा। अगर एक साथ दे दिया जाए तो वो दिमाग से निकल जाता है। मान लो आपको 5 चैप्टर 5 पाठ 5 लेसन एक ही दिन में पढ़ा दिए जाएँ तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, दिमाग में शर्मदर्द और हो जाएगा। और एक लेसन रोज़ पढ़ाएं या फिर आधा लेसन आज आधा लेसन कल, इस तरह से मतलब 5 लेसन 10 दिन में पढ़ाएं तो आपको वो रट्टा मार के की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा आपके। इसलिए मैं बाकी की वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, और एक इस वीडियो से अगली वीडियो होगी अनुभव की, हनुमान चालीसा के अनुभव की, और उससे अगली वीडियो मैं बनाऊंगा या तो ध्यान किस तरह से लगे उसके ऊपर, ठीक है, और वो आपको मालूम चल जाएगा। अगली वीडियो में बता दूँगा किसके ऊपर अगली वीडियो होगा, हर वीडियो में मैं बताऊँगा अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनेगी, ठीक है। और आप पूजा पाठ करते रहें, श्री राम का प्रभु का नाम लेते रहें, हनुमान बाबा का नाम लेते रहें, क्योंकि हनुमान जी महाराज वो देव हैं जो सारे हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उद्यार। चारों युग जितने भी युग हैं ना, सब युग में हनुमान जी का प्रताप था, अभी भी है, कलयुग में भी है, द्वापर त्रेता कलयुग सब सब युग में हनुमान जी हैं, बस आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आप चाहते हो शरीर लेकर के सामने आ जाए, इतनी बड़ी भक्ति आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, हम कलयुग में रहकर नहीं कर सकते। सपने में दर्शन जरूर दे सकते हैं आपको, और सपने में दर्शन दे दें तो समझना आपकी पूजा सिद्ध हो रही है, पूजा मानी जा रही है, स्वीकार हो रही है। ये भी नहीं है कि हनुमान जी आप स्वीकार हो गई पूजा तो आप उनको ऑर्डर दे दें मेरे ये काम कर दो, भगवान है वो, नौकर नहीं है आपके, ठीक है ना। उनकी इच्छा होगी तो हम करें, इच्छा कर सकते हैं आप, गुजारिश कर सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं, प्रभु प्लीज़ मेरा ये काम हो सकता है, शायद हो जाए आपका काम, लेकिन ये नहीं सोचिए मेरा अरे काम नहीं हुआ मैं पूजा नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पूजा पाठ अलग चीज़ है, ठीक है, मन को शांति के लिए, आपके घर में सुख शांति हो जाए उस चीज़ के लिए होती है, मन में शांति, बल बुद्धि विद्या मिले आपको, आगे हर चीज़ के काम आपके बनते चले जाएँ, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए पूजा पाठ होता है, आपको कोई संकट आने वाला, परेशानी वाली आने वाली उससे बच जाएं आप, इस चीज़ के लिए होता है पूजा पाठ, ठीक है। तो आप सभी पूजा पाठ करें, कलयुग सॉरी लॉकडाउन के दौरान, कलयुग तो चल ही रहा है खैर, लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ करें सुबह शाम, बजरंग बली का नाम लें, उससे पहले राम जी का नाम लें, और आखिर में और हनुमान चालीसा पढ़ें, सबसे सटीक और अमृत नाम है हनुमान चालीसा, सारे के सारे श्लोक अमर हैं, ये ध्यान रखना। तो हनुमान चालीसा का जाप करते रहें, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। अगली